सो गाइस आपका स्वागत है मेरी नई बात वीडियो में। इसमें मैं सिखाने वाला हूं आपको 5 टिप्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग फोटोग्राफी। सो अगर आपने हमारी कुछ मैंने फोटोग्राफी ट्रिक्स के बारे में क्रिएटिव फोटोग्राफी ट्रिक्स के बारे में पहले ही कुछ वीडियो डाले, अगर आपको देखने तो आई पर आई कार्ड में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, सो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो आप हमें वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट दिस वीडियो। सो इसमें मैं सिखाने वाला हूँ आपको कुछ ऐसी टिप्स, सीक्रेट टिप्स जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, नहीं तो आपकी फोटोज बेहतर क्वालिटी की नहीं आएंगी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि लाइट सोर्स में एक बल्ब होता है, आपके घर में होगा, आपके घर में एक ट्यूबलाइट भी होती है। तो बट इन दोनों चीज़ में फर्क क्या है, अगर आप बल्ब चलाते हैं तो बल्ब में क्या आते हैं, कम लाइट आती है और कैमरा कम लाइट कैप्चर करता है एंड देन वो बेटर क्वालिटी की फोटोज नहीं निकाल पाता। पर अगर आप ट्यूबलाइट घर में चलाते हैं तो उस टाइम अगर आप फोटोज क्लिक करते हैं तो आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो अगर आपको अच्छी बेटर क्वालिटी फोटोज खींचनी तो प्लीज़ आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप घर की जितनी भी लाइट्स है उसके सारी लाइट्स जला दो, सारी ट्यूबलाइट जला दो। अगर आपको सेल्फी तक भी खींचनी है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, जिस कमरे में आप हैं उस टाइम आप अपने कमरे की लाइट जला सकते हैं, नाउ यू गेट बेटर क्वालिटी पिक्चर्स। सेकेंड टिप्स की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड टिप की तरफ। इसमें मैं आपको इसका नाम है कैमरा एंगल। इस कैमरा एंगल लाइट सोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपका कैमरा एंगल गलत है तो आपकी पिक्चर्स गलत आएंगी, मतलब बेकार आएंगी, अच्छी नहीं आएंगी। तो अगर आपको बेटर क्वालिटी पिक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, आप टिप यूज़ कर सकते हैं। टिप मतलब आपकी लाइट इधर से आ रही है देन आपके कैमरा भी इधर होना चाहिए और आप इधर से फोटो क्लिक करने हैं और उधर आपके जो मॉडल है या फिर जो भी है उसको वहाँ खड़ा होना है ताकि उसकी पिक्चर अच्छी निकल के आए। क्योंकि अगर आपने कैमरा को उसके अपोजिट रख दिया लाइट के देन वो फोकस करेगा लाइट की तरफ और आपकी पिक्चर बेकार आएगी, अच्छी नहीं आएगी। सो बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप का नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आपने पिक्चर अच्छी क्लिक करनी है। अगर आपका बैकग्राउंड बेकार है तो आपकी पिक्चर बेकार आने वाली है। अब जो लोग यहाँ मेरी वीडियो देखने आए, मैं टाइटल पढ़ने के बाद जिसमें मैंने लिखा था रक्षाबंधन स्पेशल, सो उस वो लोग इस टिप से रिलेट कर सकते हैं। अगर जो लोग अपने घर पर पिक्चर क्लिक करने वाले हैं तो आपके घर में वो पर्दे लगे होंगे एंड चद्दर लगे होंगे या फिर कोई भी मतलब शीशा लगे होगा, तो आप उसका यूज़ मत कीजिए। वो जो बैकग्राउंड बेकार लगता है आपको फोटोग्राफ्स में। अगर आपको इंस्टाग्राम पे अच्छी पिक्चर क्लिक कर डालनी है तो आप अपने डोर्स के ऊपर जो पेंट या फिर वुडन जो है उस टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। आपके जो वॉल्स हैं बेसिक पेंट हो रखा उनका यूज़ कर सकते हैं जो पीछे है, और वॉल पेपर्स हैं आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ आएगी। तो बढ़ते हैं तो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ टिप की तरफ। फोर्थ और फिफ्थ टिप मेरी होने वाली है रक्षाबंधन के लिए। जो लोग यहाँ पे आए हैं रक्षाबंधन के लिए रिलेटेड देखने के लिए तो आप इन चीज़ों को जरूर फॉलो कीजिए आप घर में अगर फोटो खींच रहे हैं। सो गाइस मैं फोर्थ टिप में बताने वाला हूँ कि जो आप घर में आप भी रक्षाबंधन के दिन आपकी फैमिलीज ज्वाइन होने वाली हैं या फिर आपके घर में बहुत सारे मेम्बर्स होने वाले हैं तो आप इस दिन प्लीज़ आप पोर्ट्रेट्स मत कीजिए। पोर्ट्रेट्स बिल्कुल बेकार लगते हैं, जैसे कि आप ऐसे मतलब राखी बांध के ऐसे फ़ोटो क्लिक करवा रहे अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी बहन जो आपकी फ़ोटो जो आपकी राखी बांध रही है उसका उसके साथ आप अपना फ़ोटो खिंचा सकते हैं या फिर आपकी फैमिली का फ़ोटो खींच सकते हैं। आप पोर्ट्रेट्स मत खींचते उस दिन। अगर आप अकेले में बिना कोई रक्षाबंधन के रिलेटेड फ़ोटो खींचे तो वो ऐसे कर सकते हैं आप उस दिन, पर आप घर में खींच रहे हैं आपकी फैमिली के साथ खींचे तो आप फैमिली का यूज़ कीजिए या फिर अपने सिस्टर के साथ अपने फोटोज खींचिए, अकेले मत खींचवाइए। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। सो गाइस जैसे कि अब बढ़ते फिफ्थ टिप की तरफ। मैंने बोला था फिफ्थ टिप की ये भी रक्षाबंधन से रिलेटेड होने वाली है। तो रक्षाबंधन से रिलेटेड इसलिए आपके घर में बहुत सारी मिठाई बनने वाली हैं, मिठाइयाँ खरीद के लाने वाले हैं आप, तो आप अगर इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालने में आपको शौकीन है तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप एक टिप यूज़ कर सकते हैं कि जो मिठाई आने वाली है उसको आप एक अच्छे से टेक्सचर वाले टेबल या फिर किसी जगह ऐसे टेक्सचर के ऊपर रखिए और उसको रखने बाद या फिर आपको पास कोई गोल पेपर या चद्दर हो कोई अच्छी सी सुंदर सी उसके ऊपर बेसिक चद्दर एक ही कलर ग्रेड की और उसके ऊपर आप अपनी जो किसी भी चीज़ में डाल के उसको मिठाई का फोटो क्लिक कीजिए। पर मिठाई के साथ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, दो राखी या एक राखी आप यूज़ कीजिए जो कि आपके फ़ोटो को एनहेंस करेगी और ऐसे बताएगी, ऐसे उसका मीनिंग देगी कि जैसे कि आप रक्षाबंधन के रिलेटेड आप फोटो डाल रहे हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में टिप्स या फिर जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली ट्रिक के ऊपर, अगर आपके ऐसी कुछ वीडियोज अगर फ्यूचर में देखनी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, हम फेसबुक पर हैं एंड हमारे अकाउंट से ट्विटर पर भी हैं, तो आप उधर जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उनके अकाउंट्स के लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट डाउन।